नमस्कार, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ मनीषा। आज मैं आपको दोस्तों एक फटी एड़ियों के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी क्रीम बताऊंगी, जो बहुत ही कारगर है। आप इसको बना के एक कंटेनर में रख लें और रोज रात को आप लगाएंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे करीब एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी फटी एड़ियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट मुलायम हो गई। सर्दियाँ आते ही दोस्तों हमारी स्किन बहुत ही रफ हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। यदि हम शुरू में ही थोड़ा ध्यान रख लें तो पूरे सर्दी हमारी जो स्किन है बहुत ही ग्लो करेगी। तो आप इस तरह, चलिए हम आपको क्रीम बनाना बताते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप कोई भी होम रेमेडी या आयुर्वेदिक चीज़ें जब भी इस्तेमाल करना शुरू करें तो आप बहुत ही पेशेंस रख के थोड़ा सा उसको शुरू करें, क्योंकि आप ये मतलब मत सोचिए कि मैं रात में लगाऊंगी और सुबह उठते ही हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आप धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम वो नाइट क्रीम बनाना जो अपने पैरों में हमें लगाना। देखिए, ये क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। तो ये हमारा कोई भी ऑयल हो सकता है। सरसों का तेल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल सर्दियों में थोड़ा गर्माहट भी हमको मिलती है, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो बोलते हैं, उसे आप ले सकते हैं। और उसमें हम मिलाएंगे, ये हमारा 20 वैक्स है यानी कि देसी मोम। ये देखिए, मोम आसानी से आपको किसी भी परचून के दुकान पर मिल जाता है, आप ये ले लें। और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा, ये हमारा कपूर है, देसी कपूर है, आप देख सकते हैं, सिंथेटिक कपूर नहीं है, देसी कपूर है। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर। जो हल्दी पाउडर हमारे एंटीबायोटिक का काम करती है, ये बहुत अच्छे, कोई भी आप सामान बनाए होम रेमेडी उसमें हल्दी का काम, हीलिंग का काम बहुत अच्छा करती है। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। और ये कैप्सूल विटामिन ई की है, आप देख सकते हैं, ये विटामिन ई कैप्सूल है, किसी भी मेडिकल स्टोर में आराम से इजली मिल जाता है और बहुत चीप भी होता है। ये 400 mg का है। ये आप 2 कैप्सूल इसमें मिला लेंगे। अंदर में इसको होल करके इसमें दिखाऊंगी मैं, ऑयल होता है उसको इसमें डालना पड़ता है। अगर ये चीज़ आपको ना मिले तो आप बेबी ऑयल जो होता है, जॉनसन बेबी ऑयल, उसमें भी विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, उसको भी आप थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जैसा डाल दीजिए। ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्रीम बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें तेल को गर्म करना पड़ेगा, तो चलिए हम गर्म करते हैं। गैस ला के एक छोटा सा पैन चढ़ाया है। अब इसमें हम जो हमारा ये ऑयल है इसको हम डाल देंगे। ये सरसों का तेल है तो इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे जब तक इसमें धुआं नहीं आने लगे। जिसके जो मार्केट का तेल है तो जो कोई भी केमिकल वगैरह एक्स्ट्रा मिला है वो निकल जाए। देखिए, हमारा तेल एकदम गर्म हो गया। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। थोड़ा सा तेल ठंडा होगा तो हम अपनी ये जो मोम है उसको हम डालेंगे। जो हमारा मोम है इसमें हमने इसे डाल देना है और मोम ये पिघल जाएगी। और इसी में हमारा हल्दी पाउडर जो है उसको भी हम डाल देंगे। ये देखिए, अब जब ठंडा होगा फिर हम विटामिन ई ऑयल मिलाएंगे इसमें। ये काफ़ी हद तक हमारा ठंडा हो गया है, इसको ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रख देते हैं यहाँ पे नीचे हम। और इसके अंदर अभी ये देखिए, इसमें ये जो हमने कपूर लिया था इसको अच्छे से मैंने पाउडर बना लिया, इसको हम कपूर भी डाल देंगे इसी के अंदर अब। और जो हमारी ये विटामिन ई की कैप्सूल है इसको भी हम काट के डाल देते हैं। एक सीजर लेंगे और उससे ये हम काट के, और इसका जो ऑयल है इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। 2 कैप्सूल का हमने इस्तेमाल किया है। अगर आप जो बेबी ऑयल होता है उसको डालेंगे तो 1/2 टीस्पून जैसा आप डालिएगा। ये हमने सारी चीज़ों को डाल दिया। विटामिन ई हमारे हीलिंग पावर यानी कि जो हमारे जो क्रैक क्रीम एड़ियाँ हैं, क्रैक उसको भरने में बहुत हद तक मदद करती हैं और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। ये देखिए, आप इसको खूब अच्छे से ऐसे अंदर से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके एक किसी कंटेनर में भर के आप रख लीजिए और इसको आप रात को लगाइए। तो मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी क्रीम एकदम तैयार हो गई। हमने इसे अभी बाउल में रखा है आपको दिखाने के लिए। मैं इसको एक कंटेनर में भर के रख लूँगी। आपको लगाने का तरीका है बता रहे हैं कि जब भी आप इसे शुरू करें बनाना तो हमें करना क्या है कि आप पहले तो आप अपने जो हाथ पैर हैं उसे आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के लिए हमें एक कंटेनर में 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल लीजिए। नमक डाल के अच्छे से फेंट करके आप इसको अपने स्किन पे यानी कि पैरों पे अच्छे से ऐसे ऐसे रब करें।
अच्छे से रगड़े करीब 5 मिनट तक। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लें। गुनगुना पानी के अंदर थोड़े से आप जैसे पेडीक्योर तैयार करते हैं उस तरह आप तैयार कर लीजिए। अगर इतना ना करना चाहे तो गुनगुने पानी में आप 10 मिनट तक अपने पैरों को डालें और अच्छे से फिर साबुन से ब्रश करके रगड़ के साफ कर लें। और इस क्रीम को आप रात को सोने से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले लगा के थोड़ी सी जुराबे पहन लें। जुराबे इसलिए पहनेंगे कि ये इसमें ऑयल वगैरह होता है तो हमारे बिस्तर चादर खराब ना हो। आप जुराबे पहन के इसको एक हफ्ते लगातार इस तरह करेंगी तो आई एम श्योर आपका पैर बहुत अच्छा खूबसूरत मुलायम हो जाएगा। अगर जब आपका पैर अच्छा हो जाए तो आप जुराबे पहनना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि रात को सोते समय पैर में मोजे पहन के नहीं सोना चाहिए। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आप पहन लीजिए, उसके बाद फिर आप ना पहने। पेडीक्योर करें, स्क्रब करें और इस क्रीम को लगाएं। और ये क्रीम बनाने के लिए इसका जो मेजरमेंट है मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसमें 50 ग्राम ऑयल लिया था और करीब इसमें 20 ग्राम हमने इसमें मोम डाला था, जो हमारा 20 वैक्स है उसको हमने डाला, और 5 ग्राम कपूर डाला था, और उसमें हमने 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाला और 2 कैप्सूल विटामिन ई की डाली थी। अगर आप ऑयल वैसे आप नापेंगी तो 1/2 टीस्पून हमारा विटामिन ई ऑयल था। इन सारी चीज़ों को मिला के एक क्रीम आप तैयार कर लीजिए और आराम से अपने पैरों को आप हाथों में भी लगा सकते हैं, कोहनी में कहीं भी अगर काला हो जाता है तो आप लगा के इसका लगाएं। और आप अपने जो भी आपके अनुभव हो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।